अब चलिए हमारे साथ अभिसार शर्मा जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, और अब अभिसार शर्मा जी से भी कुछ सवाल करें। एक बागी पत्रकार के रूप में, एक देशद्रोही पत्रकार के रूप में कई पत्रकारों की पहचान है उसमें। चलिए अभिसार जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक कुछ अनौपचारिक बातचीत भी हो पत्रकारिता और उसको, तो उन चीज़ों पर तो हम बात करते ही रहते हैं। आज आप जंगली तरीके से चिकन बनाने की भी बात कर रहे थे, सुबह आपसे हमारी बात हो रही थी, उसी तेवर में खाना वाना खा के आप सामने आए हैं। तो एक सवाल कि आज जो हम एक हम लोगों के यहाँ मिथिलांचल में कहावत है, मतलब तो जात भी गंवाए और स्वाद भी नहीं पाए। आज मीडिया हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं, ना तो वो सवाल पूछने की स्थिति में है, ना नौकरी बचाने की स्थिति में। ये सवाल पूछते तो चलिए कम से कम ये होता है कि चलिए आज के दौर में कि हम बाहर भी हैं तो कम से कम सवाल पूछ कर बाहर निकले। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब बहुत मीडिया हाउस बिहार में भी बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से भी खबर आ रही है, आपसे भी हमारी बात हुई, कब किस समय मीडिया हाउस बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो हम जिस सरकार के सहारे सोच रहे थे कि चलिए हमारी जिंदगी आराम से चल जाएगी, आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मैं भी हूँ, और जो आज करोड़ों के पैकेज पाने वाले हैं उनकी भी कुर्सी डूल रही है कि भाई आप सवाल नहीं किए तो नौकरी बच जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसको लेकर आप आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप क्या होने वाला है मीडिया हाउस में भी या मीडिया सेक्टर में क्या होने वाला है इस कोरोना संकट की वजह से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं संतोष जी। अभी क्या हुआ है, तीन पत्रकारों पर FIR दर्ज हुई है, आप जानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले, एक और पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह कहां हैं, बस ये कहा था और कुछ नहीं कहा था। और आप जानते हैं कि दिल्ली के दंगों के दौरान भी अमित शाह नदारद थे, आप ये भी जानते हैं कि उस दौरान अजीत डोभाल मैदान में उतरे थे, अमित शाह कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से भी पूरी तरह से वो नदारद थे, और आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों में अमित शाह कितने सक्रिय थे। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि कहां है गृह मंत्री। अब क्या आप जानते हैं कि उन तीन पत्रकारों में से एक ने उस पत्रकार के जवाब में कहा कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हक किसने दिया सवाल पूछने का। यह कल्पना से भी विचित्र है कि अगर कोई पत्रकार गृहमंत्री के का स्पोक्सपर्सन बन के रह गया है। आपको याद होगा, आज से दो या तीन साल पहले की बात है, जब जनरल वीके सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट, उसके जवाब में आपको याद होगा रवीश ने एक लेख लिखा था, और आप जानते हैं उस वक्त फील्डिंग करने कौन आ गया था जनरल वीके सिंह के लिए। फील्डिंग करने के लिए एक पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर आ गया था, जिसने कासगंज में एक झूठी खबर चलाई थी जिसके चलते कासगंज में माहौल और बिगड़ सकता था। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज चल रही है कि पत्रकारों की फील्डिंग करने, उनका स्पोक्सपर्सन बनने, पत्रकार जो हैं, माफ कीजिएगा, नेताओं की फील्डिंग करने पत्रकार आ रहे हैं मैदान में। इस तरह से ये कभी हुआ है, इस तरह से खुलेआम इस तरह से फील्डिंग करना, और आप अपने ही बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपकी विश्वसनीयता तभी है जब आप अपना बुनियादी काम करेंगे, और आपका बुनियादी काम क्या है कि आप सवाल करें, सीधा सवाल करें, और सवाल उससे ही किया जाएगा जिसके हाथ में ताकत है, जो इस जो ये मादा रखता हो कि चीजों को पलट सके। अब जब गृहमंत्री से एक साधारण सवाल पूछा जाता है तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु इतना बौखला जाते हैं जैसे घर की बात हो गई हो बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप में कौन इन्वेस्ट करेगा। ऊपर से देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी चली आ रही है, यह सिर्फ कोरोना संकट का देन नहीं है, उससे पहले भी आप जानते हैं कि सरकार के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। आज भी देखिए, आपने अगर गौर किया हो निर्मला सीतारमन का बयान क्या हुआ था, आप जानते हैं ना कि टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि 23 मई की तुलना में, जब ये सरकार जीतकर आई थी उसकी तुलना में, इस वक्त प्रधानमंत्री का 8% जो है ग्राफ बढ़ गया है लोकप्रियता का। ये वो सरकार है, GDP की बात कह रही थी कि 5 trillion के लिए हम 8% GDP हासिल कर लेंगे। तो आप 8% GDP ना हासिल कर पाए, एक तथाकथित सर्वे का आप हवाला दे रही हैं, वित्त मंत्री उस तथाकथित सर्वे का हवाला दे रही हैं। ये आपको बहुत अजीब नहीं लगता? अंग्रेजी में एक शब्द है, डिस्टोपियन फ्यूचर। हम उस डिस्टोपियन फ्यूचर में हैं।
जहां वित्त मंत्री पैंडेमिक के बीच, एक महामारी के बीच में एक ट्वीट करती है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। मतलब ये सब बहुत ही अजीब और गरीब चल रहा है। और जब कोई पत्रकार इस पर सवाल करता है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए इस तरह का सवाल करने वाले, तो जब पत्रकार इस तरह का सवाल करता है तो आप उसे तमाम चीजों से नवाजते हैं, जैसे आपने मेरे परिचय में भी कह दिया। तो वो तमाम चीजें एक तरह से चल ही रही हैं संतोष जी, क्या कह सकते हैं। अच्छा।